Dear students, I am B.Singh, Chairman and Managing Director, Made Easy Group. जब एग्जाम के लास्ट 2 से 3 महीने बचे होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि अब मेरा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, लास्ट स्टेज में मुझे रिवीजन कैसे करना चाहिए, मेरी पढ़ाई का आउटपुट या एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, और इन सब की वजह से हमारी जो अपनी पढ़ने की कैपेसिटी है या पढ़ने का जो हमारा तरीका है वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा करता है। तो मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि लास्ट स्टेज में आप अपनी पढ़ाई को कैसे और अच्छा कर सकते हैं, कम समय में आप कैसे ज़्यादा आउटपुट बना सकते हैं। प्रिपरेशन इज समथिंग विच इज फोकस्ड टू एग्जाम, और अगर आपने एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, एग्जाम की समझ आपको डिटेल में है, आपको ये पता है कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, तो आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके लेवल तक ले जा सकते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड गेट, दोनों एग्जाम अगले 2 से 3 महीने में होने वाले हैं, एंड इन लास्ट 2 to 3 months अगर आप अपने स्टडी को एक नए डायमेंशन के साथ अगर कर पाए तो आपका जो पूरा का पूरा साल भर का पढ़ा हुआ है ये और अच्छा और प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो व्हाट आई एम टॉकिंग, आई होप दैट कि ये आपको बहुत यूजफुल रहेगा। सो लास्ट 2 to 3 months ऑफ माय स्टडी, दिस इज फॉर यू, राइट? लास्ट 2 to 3 months ऑफ माई स्टडी, इस समय मोस्ट ऑफ द सिलेबस वी हैव कंप्लीटेड इन क्लास, चाहे आप कोचिंग कर रहे हो या आप कॉलेज में हो या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप 80 to 90% सिलेबस तो आप कंप्लीट कर चुके होंगे। 10 to 20% सिलेबस आपका बचा होगा जो इस समय आपको अभी पढ़ना बाकी है, वो किताबें भी अभी आपने टच नहीं करी होंगी। सो सिम आई जस्ट टेक द सिलेबस एंड आई डिवाइड इन 2 components, नंबर 1 subjects already completed, ऐसे कितने subjects होंगे, what I believe that 80 to 90% of the total syllabus, 80 to 90% of total syllabus at this stage of time. Second category is that which yet to begin, so subjects yet to start, आपने या तो अभी क्लासेस में नहीं पढ़ा है या आपने घर में भी नहीं पढ़ा है, एंड दीज आर मे बी 10 to 20% सिलेबस इज स्टिल लेफ्ट। अब दोनों में आपकी स्ट्रेटजी अलग अलग होगी, जिन सब्जेक्ट्स को आप पढ़ चुके हैं उनमें आपको फोकस करना है रिवीजन, रिवीजन के बाद प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, थर्डली फिर आपको इसमें टेस्ट लेना है, सेल्फ इवेल्युएशन करना है और कुछ फर्दर वैल्यू एडिशन करना है। तो इन तीनों चारों कंपोनेंट्स को अगर हम देखें, व्हाट टू बी डन हियर, नंबर 1 इज रिवीजन। रिवीजन में एक तो आपका क्लास नोट्स है, राइट? क्लास नोट्स इज द प्राइम सोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन, इनका रिवीजन जरूरी है। क्लास नोट्स के अलावा हो सकता है आपने किसी बुक में या किसी वर्कबुक में आपने या किसी और सोर्स में कुछ चीजें मार्क की हो, तो बुक और अदर सोर्सेस ये आपको रिवीजन करना पड़ सकता है, राइट? बुक और अदर सोर्सेस, राइट? रिवीजन को बहुत इफेक्टिव बनाने के लिए आप अपने दिनचर्या को डे शेड्यूल, पूरा जो आपका 24 आवर्स का शेड्यूल है, इसको 2 components में डिवाइड कर दीजिए। इस समय इन द मंथ ऑफ नवंबर When the exam is scheduled in January or February, अब आपको 70% time और 80% time revision में देना चाहिए, and 20 to 30% time आप इन subjects में दे सकते हैं जो आपको अभी और पढ़ना बाकी है। Revision is not simply reading, आपने एक बार revision किया, जो चीजें difficult है उनको बार बार revision किया, जो बहुत ज्यादा difficult है याद नहीं होती है उनको कई बार revise किया और उनको underline भी किया, highlight भी किया, क्योंकि एक बार और ऐसा हो सकता है कि आपको इसको पढ़ना पड़े, और रिवीजन करने के बाद फिर इन कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए। जब तक आपकी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे द रिवीजन विल नॉट बी फ्रूटफुल, कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करोगे तब आप उसको रिटेन कर पाओगे। सो द सेकेंड पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज सब्जेक्ट्स इज सॉल्विंग प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस। इफ यू आर राइटिंग गेट,
तो गेट के पिछले 10 टू 15 इयर्स के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर जाइए। अगर आप ईएस लिख रहे हैं तो ईएस के प्रीलिम्स के इस समय फोकस करिए, मेंस के आप जो कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन हैं वो प्रीलिम्स एग्जाम के बाद फोकस कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पर आप इस समय ज्यादा फोकस करिए। सॉल्व करते समय आपके पास दो अप्रोचेज हो सकती हैं। व्हाट आर दीज टू अप्रोचेज? या तो आप इस समय हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ चलें और या फिर सेलेक्टिव अप्रोच के साथ चलें। सो वी कैन जस्ट थिंक ऑफ टू अप्रोचेज हियर। वन इज हॉलिस्टिक एंड हॉलिस्टिक अप्रोच एंड सेकेंड इज सेलेक्टिव अप्रोच। हॉलिस्टिक अप्रोच का मतलब है कि आप सभी सवाल सॉल्व करिए, 2001 से 2018 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करिए। बट ये उनके लिए एडवाइजेबल है जिन्होंने पहले ये सवाल सॉल्व नहीं किए हैं, वर्कबुक नहीं किए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कभी टच ही नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, तो आपको एडवाइजेबल है कि आप हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाइए। लेकिन अगर आप क्लास में सॉल्व कर चुके हैं, यू हैव बीन स्टडीइंग इन द क्लास, सम ऑफ द क्वेश्चंस आर डन इन द क्लास, सम आर ऑलरेडी देयर इन द वर्कबुक, सम यू हैव गॉन थ्रू द क्वेश्चन पेपर अर्लियर ऑल्सो, देन यू कैन अडॉप्ट selective approach and you can save your time and that additional time can be utilized in some other task. Selective approach mein kya kariye ki just check the question paper of any year of any subject and mark those questions which are of different nature. Jo lagta hai aapko ki aise sawal aapne class mein nahi padhe ya aapne earlier you have not solved such kind of questions, mark those questions first, just tick mark and attempt them. Attempt mein puri tarah se solve kariye, reach till last step and till the answer, and while solving you have to be focus on concepts and accuracy and speed. Concept, accuracy, speed तीनों पे ध्यान रखना है, इसलिए या तो holistic या selective. जब previous year की question solve करते हैं my dear friends, उन questions को आप circle करके चलते जाइए या mark करके रखते जाइए जो आपको बहुत difficult लगे, जो हमें लगता है कि इन क्वेश्चंस को बाद में मुझे रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, ये सॉल्यूशन आपको इस समय नहीं आते, तो ऐसे क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आप मार्क करके जरूर रखिए ताकि आने वाले टाइम में एक बार और कम से कम आप इनको अटेम्प्ट कर सकें, रिवाइज कर सकें। तीसरा इंपॉर्टेंट टास्क है जो इन सब्जेक्ट्स में जिसमें आप कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे रिवीजन किया किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उसके बाद एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व किए, अब आप इसमें सेल्फ इवेल्युएट करिए, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट या फिर किसी टेस्ट सीरीज के थ्रू, मेडिजी की टेस्ट सीरीज के थ्रू या फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के थ्रू, सो यू गो थ्रू द टेस्ट। सो सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट थ्रू सम काइंड ऑफ टेस्ट, थ्रू टेस्ट। नाउ देर आर थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टेस्ट। नंबर वन, You want to check what is the level of your concepts. आपने जो पढ़ा है क्या वो concepts इस level पर हैं आपके पास, you can solve questions. Second, you need to check your speed. And third, accuracy. So the basic idea of the writing test and making self-assessment is to check the three things. What are these three ingredients? Number one, concepts. Number two, speed, and number three, which is very important, accuracy. आपके concepts अच्छे होने चाहिए, साथ में साथ ही साथ speed and accuracy भी अच्छी होनी चाहिए। तो जब आप कोई test देते हैं, you need to appear in the test in exactly in the same environment like in the exam. तो test series में आप enroll करिए, test series दीजिए, टेस्ट देते समय एग्जाम का जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, और जब आप एग्जाम लिखें, टेस्ट लिखें, उसके बाद आप एनालिसिस जरूर करिए क्वेश्चन पेपर का। तो क्वेश्चन पेपर का जब आप एनालिसिस करेंगे तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए होंगे, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं आते, जिनके कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता, ऐसे क्वेश्चंस को आप पहली बात तो मार्क करके रखिए। दूसरा, उन क्वेश्चंस को भी देखिए जहां आपने गलतियां की हैं। इफ यू हैव मेड मिस्टेक, यू कुड डू करेक्ट बट यू हैव मेड इट रॉन्ग, दैट मींस योर एक्यूरेसी इज नॉट गुड एंड दिस इज अ काइंड ऑफ बिग ब्लंडर। तो आपको एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस को भी आपको नोटिस करना है। राइट, टेस्ट दिया,
एनालिसिस किया और घर में आकर के जो सवाल आपने सॉल्व नहीं करे, दोज क्वेश्चंस विच यू आर अनेबल टू सॉल्व, नाउ फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सच क्वेश्चंस, रेफर टेक्स्ट बुक, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू सम टीचर, व्हाटएवर इज द सोर्स, बट फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सच क्वेश्चंस विच यू आर अनेबल टू सॉल्व इन द टेस्ट. वही वैल्यू एडिशन है. अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं. इसके बाद जब आपका टेस्ट का रिजल्ट आएगा, उस टेस्ट के रिजल्ट को आप एक समरी बना करके, मेडी जी की वेबसाइट में जाएंगे तो आपको रिजल्ट में आपको समरी मिल जाएगी, या आप खुद समरी बना करके अपने रूम में पेस्ट करिए. एक टेस्ट नंबर वन की क्या समरी है, स्पीड कैसी है, एक्यूरेसी कैसी है, कितने क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड छूट गए, एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस यू मेड मिस्टेक, एंड ऑल्सो मेंशन योर मार्क्स. सेकेंड टेस्ट में जब आप अपियर होने जाएं तो फर्स्ट टेस्ट की रिजल्ट समरी एक बार रीड करके जाइए. सो यू शुड कीप इन कंसिडरेशन की वट एवर मिस्टेक्स यू मेड इन फर्स्ट टेस्ट शुड नॉट बी रिपीटेड इन द सेकेंड टेस्ट. सो यू कीप ऑन डूइंग वन बाय वन एंड ऑल्सो ट्राई टू इम्प्रूव योर स्किल्स. आपको इस स्पीड के साथ साथ आपको अपने मार्क्स बढ़ाना है, एक्यूरेसी के साथ साथ मार्क्स बढ़ाना है. सो वट यू नीड टू डू कि आप सेकेंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, फोर्थ टेस्ट में आप अपने आप को ट्रैक करिए. जब आप ट्रैक करोगे, आप खुद अपने आप को ट्रैक करोगे, देन यू विल कम इन टू द इम्प्रूवमेंट मोड, तभी आपका इंप्रूवमेंट होगा. और इंप्रोवाइजिंग इज द ओनली टास्क विच इज इंपॉर्टेंट. आपको इंप्रूव करना है तो कॉन्सेप्ट, स्पीड एंड एक्यूरेसी इन सब्जेक्ट्स में जिसमें आप ऑलरेडी सिलेबस आप पढ़ चुके हैं, कुछ वैल्यू एडिशंस की भी जरूरत होती है. ये वैल्यू एडिशन कैसे होगा, कहां से आएगा? सो द फोर्थ पार्ट इज फर्दर वैल्यू एडिशन इन दीज सब्जेक्ट्स. फर्दर वैल्यू एडिशन इन दीज सब्जेक्ट्स कैसे होगा, दिस वी कैन टॉक अबाउट राइट इन दी सब्जेक्ट्स राइट. सो व्हाट आई कैन सजेस्ट यू, वन इज दिस सोर्स ऑफ योर वैल्यू एडिशन, दैट इज द सॉल्विंग प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस. सेकेंड इज दिस सोर्स ऑफ योर वैल्यू एडिशन, दैट इज थ्रू टेस्ट सीरीज. जो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लग रहे थे प्रीवियस ईयर में, उन क्वेश्चंस के लिए आप बुक रेफर करिए. जो कॉन्सेप्ट्स आपको मिले कि दीज कॉन्सेप्ट्स यू डोंट नो एंड दीज आर नॉट टॉट अर्लियर, या फिर आपने नहीं पढ़े थे, ऐसी कॉन्सेप्ट्स को वैल्यू एडिशन में ऐड करिए. या फिर जब आपने टेस्ट लिखा तो टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने उनके आंसर्स जब आपने सर्च करने की कोशिश की इन द टेक्स्ट बुक, देन व्हाटएवर यू फाउंड दैट अगेन बिकम्स द वैल्यू एडिशन. एंड इफ यू हैव started revising and you come across something new which you don't remember, again mark it because this is again a value addition. So value addition आपका कैसे हो रहा है? एक, that is through the test. Second, कहां से हो रहा है? Through the previous exam questions, right? Third, कहां से हो रहा है? Through the textbook, right? कोई टेक्स्ट बुक, कोई वीडियो, कोई ऑनलाइन पोर्टल जहां पर आपने पढ़ा, पहली बार कोई चीज देखी, तो यहां से टेक्स्ट बुक या फिर ऑनलाइन सोर्स से आपने वैल्यू एडिशन किया. यूजुअली मैं सजेस्ट करता हूं कि आप अपनी क्लास नोट्स स्पाइरल फॉर्मेट में बनाइए. स्पाइरल फॉर्मेट में इसलिए है क्योंकि अगर कुछ नया मिला तो आप उसके पीछे ऐड कर सकते हैं. और हमेशा कोशिश करिए कि आफ्टर एवरी चैप्टर कीप 2 to 3 पेजेस ब्लैंक, इसलिए क्योंकि अगर आपको कुछ ऐड करना पड़ा तो आप ऐड कर सकते हैं. और इस तरह से आपके जो वैल्यू एडिशंस होंगे ये भी. एंड वन मोर पॉइंट डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज ट्राई टू मेक योर नोट्स पिक्टोग्राफिक. कुछ मार्क करने की हैबिट डालिए, उसमें लिखने की हैबिट डालिए और उसमें कुछ कमेंट लिखने की आदत डालिए. दिस बेसिकली मेक्स यू मोर इंटरेक्टिव एंड यू कैन रिमेंबर योर नोट्स. आपके लिखे हुए हैं, आपने कहां लिखा है, कैसे लिखा है, आप उसको याद कर सकते हो. तो याद करने में आपको ये सहूलियत मिलेगी. सो अगेन यू कैन जस्ट गो थ्रू दी रिविजन करना है, प्रीवियस एग्जाम की क्वेश्चन सॉल्व करना है 10 to 20 ईयर्स के, बट मिनिमम 10 ईयर्स तो करना ही है. और इस स्टेज में जब एग्जाम नजदीक हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फोकस करिए, उन क्वेश्चन को मार्क करते जाइए जो डिफरेंट टाइप के हैं, जो थोड़ा डिफिकल्ट नेचर के हैं, जो लगता है बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे चीजों को. टेस्ट देना ना भूलें, और जब टेस्ट दें तो टेस्ट में आपका रियल असेसमेंट होना चाहिए, ऐसा स्टेज. एंड कीप ऑन इंप्रूविंग दिस. नाउ कम टू द न्यू थिंग्स. जो सब्जेक्ट अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं उन सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना भी है और इन सब्जेक्ट्स को रिवाइज भी करना है. तो इन सब्जेक्ट्स में सबसे पहले तो आपको क्लास नोट्स बनाने होंगे,
आप अगर कोचिंग कर रहे हैं तो क्लास नोट्स बनाएंगे, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप सेल्फ नोट्स बनाएंगे, लेकिन नोट्स तो आपके होना चाहिए जहां से आपका बेसिक स्टडी रिवीजन फोकस्ड होगा, बेस्ड होगा, तो क्लास नोट्स कोचिंग के बाद। दूसरा, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स लास्ट मोमेंट में आप पढ़ाई कर रहे हो, इनको बार बार रिवीजन करने का बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का आपके पास टाइम नहीं होगा, तो इन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस साथ साथ करते जाइए, इनकी प्रैक्टिस अब लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस दी क्वेश्चंस, मतलब नोट्स बनाए या क्लास में अटेंड किया, कॉन्सेप्ट पढ़े, आफ्टर दी कॉन्सेप्ट आर नोन टू यू, अप्लाई देम बाय सॉल्विंग दी प्रॉब्लम्स, सो प्रैक्टिस दी क्वेश्चंस। ये वाला जो पार्ट है प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स में आप हो सकता है बाय द एंड ऑफ दिसंबर या बाय द एंड ऑफ मिड ऑफ दिसंबर कंप्लीट करें, एंड यू मे बी रिक्वायर्ड टू राइट योर ईएस एग्जाम इन जनवरी एंड गेट एग्जाम इन फेब्रुवरी, यू डोंट हैव मच टाइम टू रिवाइज देम, सो हियर कीप ऑन सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस साइमल्टेनियसली, सो सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस साइमल्टेनियसली, राइट, इसको साथ साथ करते जाइए। इसके अलावा, इन सब के अलावा, आपको इसका टेस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग वन सब्जेक्ट उसका टेस्ट भी लिख दीजिए, सो देन यू राइट द टेस्ट, दिस इज व्हाट यू हैव टू अडॉप्ट द अप्रोच इन दिस सेक्शन, क्योंकि बिना रिवीजन के साल भर का पढ़ा किसी काम का नहीं है, सो यू नीड टू फोकस ऑन रिवीजन, and this is the right time to start with, so you are starting your last 60 days of your study and you have to make it more productive, aap ye maan ke chal lijiye ki agar may june mein agar aap 8 ghante padhte the aur in this month of november and december if you study 4 hours then both are equivalent, the productivity is double, jaise jaise exam aapka close aayega productivity badhti jayegi, mere dosto बिना मेहनत के बिना एफर्ट किए कुछ भी नहीं मिलता, अगर आप ऑनेस्टली एफर्ट करते हो, एग्जाम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हो तो दीज 60-80 डेज कैन मेक वंडरफुल चेंजेस एंड कैन ब्रिंग यू सक्सेस विच इवन यू हैव नॉट इमेजिंड। अभी आप सोच रहे होंगे कि दिस टाइम आई एम लेट, आई विल प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर, बट माई फ्रेंड्स एवरी ईयर द सिचुएशन विल बी सेम, you have to start your preparation now and don't wait for the next year, you can do it and still you can do it for this year itself, right, so start doing this, apne aap par confidence rakho aur apne padhai ko apne liye do, last 60-70 days aap itna soch lijiye ki ab mujhe ghar nahi jana, hometown nahi jana aur main 60 days main 70 days mein jitna zyada se zyada apne padhai ke mein time de sakte hain, you have to focus on it, right, keep on writing, keep on improvising, keep on revising, keep on improving, and this is what I can wish for you, all the best, thank you very much.